नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। अब खत्म होगी इलाज की टेंशन। ये सवाल इसलिए चूंकि हरियाणा सरकार की ओर से आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाया गया है। अंत्योदय परिवारों को बड़ी सौगात दी गई है, बड़ी राहत दी गई है। दरअसल हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम के मानेसर से हरियाणा में आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। हरियाणा में अब से योजना चिरायु योजना के नाम से भी जानी जाएगी। सीएम ने कहा कि 31 दिसंबर तक इस योजना के सभी लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड वितरित किए जाएंगे। तो चर्चा हम करने वाले हैं, क्या वाकई स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी क्रांति आने वाली है? क्या वाकई अब हरियाणा के सभी गरीबों, वंचितों, जरूरतमंदों को उपचार मिलने वाला है? पहले रिपोर्ट आप देखें। हरियाणा में अब आयुष्मान भारत योजना का विस्तार हो चुका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम के मानेसर में योजना के विस्तार के शुभारंभ के दौरान ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब राज्य में 12 लाख अंत्योदय परिवार और इस योजना से जुड़े गए हैं। सीएम ने कहा कि 31 दिसंबर तक सभी लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड वितरण कर दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का दायरा बढ़ाया गया है। आपको बता दें कि इस योजना का लगभग 28 लाख परिवार लाभ उठा पाएंगे। गरीब परिवार जिसकी व्याख्या अभी तक जो पहले की गई थी वो वार्षिक 1,20,000 रुपए की आमदन, ये व्याख्या की गई थी, लेकिन हमें ध्यान में आता है कि इस सीमा को थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। इस सीमा को 1,80,000 रुपया किया हमने, क्योंकि 1,20,000 में बहुत कम परिवार उसके अंदर आते हैं, तो इसका दायरा बढ़ाने के लिए हमने इस योजना को आगे बढ़ाया है। आयुष्मान भारत योजना का लाभ अभी तक 9 लाख से अधिक परिवारों को मिलता रहा है, लेकिन अब हरियाणा के 28 लाख परिवारों को इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। साथ ही इसके लिए किसी अन्य दस्तावेज दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। एक बहुत महत्वपूर्ण दिन, खास करके उन परिवारों के लिए, उन लोगों के लिए जो अपना जीवन यापन बहुत कठिनाई से करते हैं, जिनको हम एक कैटेगरी, जिसको बीपीएल कैटेगरी कहा जाता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, ऐसे परिवारों के लिए एक यादगार दिन बन करके आ रहा है। आपको बता दें, गोल्डन कार्ड के जरिए हरियाणा के लोगों को 1,290 सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में इलाज मिल सकेगा। योजना के तहत करीब 715 सरकारी अस्पतालों और 575 निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है। साथ ही कैंसर, हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों के साथ ही 1,500 के करीब दूसरी बीमारियों को इसमें कवर किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो सरकार का दावा है कि पैसे के बगैर या फिर आर्थिक अभाव में कोई उपचार से दूर रहे, किसी को इलाज ना मिल पाए, इस बात को दूर करना है। यानी सबको उपचार मिले, कोई आर्थिक अभाव में उपचार से दूर ना रहे, इस बात को सुनिश्चित किए जाने का प्रयास है और ये लक्ष्य लेकर सरकार चल रही है, जो कि सरकार का दावा है। तो चर्चा हम करने वाले हैं कि वाकई अब उपचार बहुत आसान हो जाएगा, गरीब लोगों तक पहुंचेगा। जो गरीब वंचित परिवार के हैं, क्या उन्हें उपचार मिल पाएगा, क्या टेंशन कुल मिलाकर खत्म होने वाली है इलाज को लेकर? एक खास पैनल हमारे साथ है, हरियाणा बीजेपी से हमारे साथ प्रवक्ता डीपी कौशिक जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जोगेंद्र मोर जी हैं, जेजेपी प्रवक्ता विभा पांडे जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, साथ ही प्रवक्ता इनेलो विजेंद्र रेडू जी और राजकुमार सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ चर्चा में हैं। सभी का स्वागत है चर्चा में। शुरुआत बीजेपी से। डीपी कौशिक जी, बड़ा दायरा कर दिया गया कि आयुष्मान भारत योजना का, अब 1,80,000 से या 1,80,000 तक की सालाना आय वाले परिवारों को इसमें शामिल किया गया है, कितना फायदा आप देख रहे हैं लोगों को मिलेगा? ज्योति जी, सबसे पहले तो पूरे हरियाणा वासियों को बड़ी अच्छी खुशखबरी आज माननीय मुख्यमंत्री ने दी है, इसके लिए हम पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को धन्यवाद करते हैं और हरियाणा वासियों के लिए खुशी का दिन है। आप देखिए, पहले 1,20,000 की लिमिट थी ये, जिसपे जो हमारा जो टैक्स पे करते थे उनका जी, वो बढ़ाकर 1,80,000 से इनकम नीचे वाले परिवारों को सबको इसमें शामिल कर लिया गया। सरकार का एक ही उद्देश्य है, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलंबन, ये सब चीजें सरकार लेकर चल रही है और इस पे कार्य करने के लिए शुरू से ही तत्पर है और आगे भी हम लोग इस पे काम करते रहेंगे। गुंजाइश हमेशा रहती है सरकार पे काम करने की।
हमारा टारगेट यही है कि आने वाले टाइम में हर हरियाणा वासी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कहीं किसी तरह की कोई परेशानी ना उनके, उसके लिए सरकार बिल्कुल अच्छी तरह से काम करने की उस पर लगी हुई है और हम जल्दी ये आने वाले टाइम में सभी को ऐसी सुविधा देने के लिए तत्पर हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने जी बताया जैसे कि 29 लाख के आसपास परिवार जो हमारे जुड़ गए इस साथ से, जिनके ये शिक्षा और ये स्वास्थ्य के लाभ फ्री में उठा सकेंगे हरियाणा के किसी भी हॉस्पिटल के अंदर। ऑलमोस्ट 800 के आसपास प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल टोटल 1500 के आसपास में है, जी जिसमें जो लोग जाके अपना जिस भी तरह की कोई बीमारी हो उसका इलाज फ्री में करवा सकते हैं। ये हरियाणा का सबसे पहला राज्य होगा जो हमारा आयुष्मान के लिए जितना इतना बड़ा माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। ये बहुत ही खुशी का दिन है जी और आगे भी इस जो जिस तरह की योजनाएं है माननीय मुख्यमंत्री की, हर परिवार तक इस ऐसी योजनाएं पहुंचाने का हमारा काम जारी है, जिससे कि हरियाणा के किसी भी हर एक व्यक्ति तक ये हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वहां उस तक पहुंच सके। इसके चलिए लिए हम आगे आगे चर्चा भारतीय को ले जनता जाते पार्टी हुए जोगी सरकार नवो को जी, धन्यवाद करते हैं। 28 लाख से जी अधिक जोगी जी परिवार, 28 लाख से अधिक परिवार बहुत बड़ा ही आंकड़ा हो जाता है आगे। कांग्रेस कैसे देखते हैं? देखिए, पहले भी आयुष्मान भारत के आप देखेंगे कितने लोगों को लाभ मिल पा रहा है, ऐसा नहीं है। और अगर ऐसा करना था तो कोरोना के वक्त में कितने लोग जो है दिक्कतों का सामना करके आए, और 8 साल की सरकार हो चुकी है जैसे जी, जी 8 साल की सरकार के बाद इस प्रकार का कदम, ये कहीं कहीं मतलब इस प्रकार से। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये पोर्टल की सरकार है। एक तरफ तो स्वास्थ्य है के अंदर आपने देखा है कि डॉक्टरों के किस प्रकार से जो है डॉक्टर हड़ताल पे है और उनकी किसी प्रकार से कोई सुनवाई जो है हो नहीं रही है, और दूसरी तरफ से इस प्रदेश को कर्ज में डुबाने का काम कर रहे हैं। 3,00,000 करोड़ के 10,000 करोड़ का जो है कर्ज, जब कांग्रेस ये कहते हैं ना कांग्रेस की सरकार से जब इनको हस्तांतरण हुआ तो उस वक्त हरियाणा सरकार पर 60,000 करोड़ का कर्ज था, इन्होंने 3,10,000 करोड़ का जो है कर्ज चढ़ाने का काम इस सरकार पे किया राज्य पे किया है। और जो रही है ये पोर्टल की सरकार है, इनकी इतनी चीजें हैं इतनी है कि ये घोषणाएं तो करते लेकिन आप देखेंगे इसे किसान की बात है चाहे किसी की बात है उसके अंदर कहीं ना कहीं कागजी कार्रवाई या परिवारों की पेंशन काटने की कई फैमिली आए थे अब ये घोषणाएं करते लेकिन इसके बाद इनकी जो कंडीशन दिखाई देंगी और उचित लाभार्थी तक कभी भी पूरी योजनाएं को जो है लाभ नहीं मिल पाता है, ये इस सरकार की बहुत बड़ी खामी है। देखिए, जब आप 8 साल की बात कहते हैं तो 4 साल तो हो गए हैं योजनाओं को, पिछले टेन्योर में ही शुरू कर दिया गया था केंद्र की ओर से। हाँ, तो अब विस्तारित आज आप हरियाणा पे हरियाणा से बात कर रहे हैं आज जी, तो और 4 साल आज में भी तो देखिए विस्तारित कितने लोगों कितने लोगों को लाभ मिल पाया। 9 लाख से अधिक परिवारों को, सरकार का दावा कि 9 लाख से अधिक परिवारों को पहले भी फायदा मिलता है। आप विस्तारीकरण क्या किया कि 1,20,000 सालाना आय का जो एक कहने की दायरा रखा गया था उसका विस्तार करते हुए 1,80,000 सालाना कर दिया गया के अब 28 लाख से अधिक परिवारों को, यानी 1,24,00,000 लोगों को, यानी करीब करीब हरियाणा की आधी आबादी को इसका फायदा मिलेगा जो कि सरकार का दावा है। चर्चा में आगे बढ़ती हुई विभा जी, अभी कांग्रेस प्रवक्ता को आपने सुना कि केवल योजनाएं बना देने से, ऐलान कर देने से, घोषणाएं कर देने से कुछ नहीं होने वाला, उनको इम्प्लीमेंट भी किया जाए, इस बात को भी सुनिश्चित किया जाए कि पात्र लोगों तक पहुंचे। ज्योति जी, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे हरियाणा वासी को बहुत बधाई देती हूँ और उन लोगों को स्पेशली जो जिन लोगों को इनका लाभ मिला और जो इस दायरे में अब आगे हैं। ये जो 9 लाख का आंकड़ा आ रहा है बार बार कि 9 लाख खाली पहले लोगों को मिल रहा था, तो ये जान लीजिए कि आज से 4 साल पहले जब ये शुरू हुआ था तो तब 15.5 लाख के करीब लोग इसके दायरे में आए थे, लेकिन उनका डेटा वेरीफाई सबका नहीं हो पाया था, सिर्फ 9 लाख लोगों का वेरीफाई हो पाया था, इसलिए ये योजना सिर्फ 9 लाख लोगों को मिल पाई थी। आज के दिन इस योजना को परिवार पहचान पत्र के साथ ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट कर दिया गया है, उसके साथ जोड़ दिया गया है, उसके बेसिस पर जो डेटा आया है वो ये आर्थिक रूप से और या जैसे सामाजिक रूप से जिनका आया है जो बिलो पॉवर्टी मतलब EWS कैटेगरी में या जो इस योजना के तहत में आते हैं उनसे डेटा टोटल 28 लाख का आया है और उनको ऑटोमेटिक ये गोल्डन कार्ड दे दिया जाएगा और 1,20,000 से 1,80,000 अब कर दिए सालाना जो उनकी आय की लिमिट है। तो ये कह रहे हैं कि नहीं लाभ पहुंच पा रहा तो उसके पीछे जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी वो इस परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़कर वो सारी टेक्निकलिटीज भी ठीक कर दी गई हैं
और अगर लोगों को नहीं मिल रहा होता तो हमारे सरकारी अस्पताल इतने जो भरे होते हैं, सब कितने लोग हमें मिलते हैं जो कहते हैं हमें इस योजना से काफी फायदा हो रहा है, लोगों का इलाज हो रहा है, नहीं तो आधे से ज्यादा लोग अभी तक मर चुके होते हैं। ठीक है ना, तो ये जो कह रहे हैं योजनाएं आती हैं और उनका लाभ नहीं मिलता, तो इनसे बोलिए जाके फील्ड पर एक बार पूछ ले लोगों से और सरकारी अस्पताल में जाके देख ले ग्राउंड रियालिटी क्या है। जी रेणु साहब, क्या आज इस विषय को लेकर सरकार के इस कदम को लेकर सरकार की तारीफ होनी चाहिए? ज्योति जी, चिरायु, चिरायु का मतलब हो गया लंबी आयु, और यह गवर्नमेंट ने कामना की है कि हरियाणा प्रदेश के निवासियों की लंबी आयु हो। अभी विभा जी बता रही थी ये 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू की गई थी, जिसके दायरे में लगभग 15.5 लाख परिवार आए थे, और 23 सितंबर 2018 से लेकर के आज तक भी यानी 222 खत्म होने को जा रही है। 15.5 लाख में से केवल 9 लाख लोग परिवारों के ये डाटा वेरीफाई कर पाए, और फिर ये देते हैं बधाई हरियाणा प्रदेश निवासियों की, इस बात की बधाई देते हैं कि आज तक भी हम लगभग 6.5 लाख लोगों को वो सुविधा प्रदान नहीं करवा पाए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने देने का काम किया था। 6.5 लाख लोगों को आज भी इन्होंने वंचित रखने का काम किया सेंटर के द्वारा दी गई योजना से। दूसरी बात, ज्योति जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं हरियाणा सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि 22 मार्च 2022 को विधानसभा पटल पर हरियाणा गवर्नमेंट ने इन्फॉर्मेशन स्वास्थ्य के बारे में रखने का काम किया था, जिसमें इन्होंने माना था, स्वयं गवर्नमेंट के द्वारा रखे गए आंकड़े मैं आपके टीवी के चैनल पर देना चाह रहा हूँ कि हरियाणा प्रदेश में 24 को म्यूट कर लें प्लीज, जिनके भी किचन से आवाज आ रही म्यूट कर लें, बात पूरी कीजिए रेणु साहब। हाँ, या आपके पास ये कोई? हाँ, तो 22 मार्च को विधानसभा पटल पर हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएं पटल पर रखने का काम किया था, जिसमें स्वयं सरकार ने माना था कि हरियाणा प्रदेश में 24 हॉस्पिटल हैं, जिनमें से केवल मात्र 3 हॉस्पिटल ऐसे हैं, केवल मात्र 3, पंचकुला, फरीदाबाद और अंबाला, जहां पर विभिन्न प्रकार की टेस्टिंग की सुविधाएं हैं, जिसमें एमआरआई है, सिटी स्कैन है, कीमोथेरेपी है, कैथ लैब, केवल मात्र 3 हॉस्पिटल में। और मैं आंकड़ा आपको बता दूं, सरकार द्वारा दिया हुआ आंकड़ा है कि 19 हॉस्पिटल में कीमोथेरेपी नहीं है, 20 में कैथ लैब नहीं है, और यहां तक के 19 हॉस्पिटल में एमआरआई की सुविधा नहीं है ज्योति जी, और 4 हॉस्पिटलों में तो सीटी स्कैन जो आजकल एक आम बात बनी हुई है वो भी नहीं है, और 5 हॉस्पिटलों में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध नहीं है। आज 24 में से 19 हॉस्पिटल जो है ना लैक ऑफ फैसिलिटीज से जूझ रहे हैं, वहां लोगों को इलाज नहीं दिया जा रहा है, और वहां डॉक्टर नहीं है, वहां लैब अटेंडेंट नहीं है, वहां नर्सिस नहीं है, और ये घोषणा करते हैं कि हम जो है गोल्डन कार्ड इश्यू करने जा रहे हैं ताकि प्रदेश के निवासियों को फ्री में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो जाएं। हॉस्पिटलों में दवाइयां नहीं है, कहते हैं हम 542 मेडिसिन फ्री उपलब्ध करवा रहे हैं, अगर किसी हॉस्पिटल में केवल 42 दवाइयां मिल जाए तो मैं इनका दोषी। दूसरी बात ज्योति जी, इन आंकड़ों से स्वयं गवर्नमेंट ने एक और बात उजागर करने का काम किया, मैं गवर्नमेंट के द्वारा दी गई आंकड़ों की ही बात कर रहा हूं। इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के अनुसार 1,20,000 की आमदनी रखी थी और उनको शामिल किया गया था, और अब हमने 1,80,000 कर दी, स्वागत है आपका। जो हमारे बीपीएल कार्ड है उनके भी 1,80,000 है, और उसके अनुसार आज ये आंकड़ा गवर्नमेंट ने प्रस्तुत करने का काम किया कि 1,80,000 की मिनिमम आय रखने के बाद लगभग 50% पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा आर कवर्ड अंडर दिस स्कीम, यानी कि ये लोग कहते हैं कि हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 2,53,000 हमने कर दी, और 1,80,000 से नीचे 50% हरियाणा आ गया है, तो कितने झूठे आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं प्रदेश के सामने, बड़ा अचंभा होता है। एक बार कहते हैं प्रति व्यक्ति आय 2,53,000 पर पहुंच गई, और 50% मोर देन 50% हरियाणा 1,80,000 से नीचे है, जो कि स्कीम के तहत
इन्होंने जोड़ने का काम किया है। मैं समझता हूं कि ये सारे के सारे झूठे आंकड़े हैं, घोषणाओं की सरकार है, केवल मात्र घोषणा करती है, ग्राउंड के ऊपर किसी को कुछ नहीं देती, झूठ बोलने का काम करते हैं, जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, धरातल के ऊपर जाकर के किसी प्रकार की कुछ नहीं है। आप देखिए, जहां ये स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं, जब कोरोना काल आया था उस टाइम इन्होंने घोषणा करने की काम की थी, किया था कि जल्दी ही 10,000 डॉक्टरों को भर्ती किया जाएगा। आज तक वो 10,000 डॉक्टरों के एनरोलमेंट नहीं हुई है मैडम जी। बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां एक भी सीएचसी और पीएचसी हमारी खाली पड़ी है ग्रामीण क्षेत्रों में, वहां कोई चिकित्सक नहीं है और घोषणा पे घोषणा, घोषणा पे घोषणा। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा गवर्नमेंट से निवेदन करना चाहूंगा, घोषणाओं के बजाय इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। जो आप करना चाहते हैं वो पूर्ण रूप से करें और उसकी पूरी सुविधा जनता तक पहुंचानी चाहिए। घोषणा चाहे कम कर दो, लेकिन 100% सत्य और पक्की घोषणा करने का काम करें, ताकि लोगों को वास्तव में वो सुविधा मिले और आम गरीब व्यक्ति उसका फायदा उठा सके। राजकुमार जी, सभी पार्टियों के प्रवक्ताओं को आपने सुना, जाहिर है सरकार तारीफ करेगी कि बहुत बड़ी बात है 1,24,00,000 लोगों को निःशुल्क 5,00,000 रुपए तक का उपचार दिलवाना, और ये काबिले तारीफ भी है पहली नजर में जो लगता है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या इसे इम्प्लीमेंट करना या लोगों तक पहुंचाना बहुत आसान रहेगा? और दूसरा, जो कि नेहरू प्रवक्ता की ओर से कहा गया कि इतनी बड़ी आबादी, इतने ज्यादा परिवार अगर 1,80,000 रुपए सालाना कम आय में आते हैं, तो इसमें बहुत खुशी की बात नहीं है सरकार के लिए? देखिए ज्योति जी, ये हमें तय करना है कि हमें आधा गिलास भरा हुआ देखना है या आधा गिलास खाली देखना है, हम किसको महत्व देना चाहते हैं। दूसरी बात, जो बार बार कहा गया कि घोषणाओं की सरकार है, घोषणाएं की जाती है, इम्प्लीमेंट नहीं होती, ये कोई पहली बार समस्या नहीं आती। हम सब लोग समझते हैं, जानते हैं सरकारी सिस्टम को, उसकी एक प्रक्रिया है, अध्ययन होगा, रिपोर्ट बनेगी, घोषणा योजना बनेगी, घोषणा होगी तब इम्प्लीमेंट। तो ऐसा तो होता नहीं कि पहले कोई सरकार घोषणा ना करे, पहले इम्प्लीमेंट करते। हाँ, घोषणाएं इम्प्लीमेंटेशन में धरातल पे कितना उतर पाती हैं, 100% लोग तक लाभ उसका मिलता है कि नहीं मिलता है, वो एक विवाद का विषय है। और वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस सरकार में, ये समस्या हमने हर सरकार के कार्यकाल में देखी है। हमें नहीं भूलना चाहिए, जो हमारा देश एक तो आबादी के लिहाज से बहुत विशाल है, दुनिया में दूसरे नंबर पे है और बहुत जल्दी शायद पहले नंबर पर पहुंच जाएंगे, और भौगोलिक दृष्टि से भी बहुत बड़ा देश है। तो उस लिहाज से सरकारी सिस्टम की अपनी सीमाएं हैं, वो किसी से नहीं छुपी है, और सरकारी सिस्टम की जो उदासीनता है, जिसको कई बार नाकारापन भी कहते हैं, लाल फीताशाही कहते हैं, वो अपनी जगह है और किसी से छुपी नहीं है, कोई उससे इनकार भी नहीं करता। लेकिन उन सारी चीजों के बावजूद अगर सरकार, मेरा मानना है शिक्षा और स्वास्थ्य ये मौलिक अधिकार है और हर सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको सुलभ कराए। अब उसमें जैसा कि बात कही गई, जो गरीब परिवार है, गरीबों के मामले में अगर उनकी जीवन शैली देख लें, रहन सहन के हालात देख लें, तो वो बीमारियों के शिकंजे में भी जल्दी आते हैं और बीमारियों का इलाज कराने की सामर्थ्य भी आर्थिक रूप से उनकी नहीं होती। तो अगर सरकार ने टारगेट तय किया, पहले 1,20,000 तक का जो दायरा था उसके दायरे में लोगों को लाई है, 1,80,000 तक की आय के लोगों को लेके आई है, तो इसे सही दिशा में सही कदम के तौर पर सरकार की इस घोषणा का, इस पहल का स्वागत करना चाहिए। अब जहां तक इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है, अभी बात आई कि 15,00,000 का आंकड़ा था, 9,00,000 को सुविधा मिल पाई, हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये जो आबादी है जिसको हम गरीबों की बात कर रहे हैं, आर्थिक रूप से गरीब है, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनकी अपनी सीमाएं, तो अगर उनके डेटा का वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है तो ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये तमाम राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी भी है, मीडिया की जिम्मेदारी भी है, उनको जागरूक बनाएं कि उनके डाटा वेरिफिकेशन में वो आगे आए और बाकी लोग मदद करें। सरकार सब तक पहुंच जाए अच्छी बात है, नहीं पहुंच पाए तो सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता है, सरकार किसी की भी हो, चुनाव खत्म होने के बाद सरकार पूरे प्रदेश की होती है, देश की होती है, तो उसकी सुविधाओं का लाभ, उसकी योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद को मिल पाए, ये जिम्मेदारी हम सबकी, और हमें मदद करनी चाहिए। ये निश्चित रूप से मैं इस बात से सहमत हूं कि हमारे देश, मैं खाली हरियाणा की बात नहीं कर रहा, हरियाणा उसका हिस्सा है, सरकारी सुविधाओं का, चिकित्सा सुविधाओं का हाल बहुत अच्छा नहीं है, शिक्षा सुविधाओं का भी हाल बहुत अच्छा नहीं है। उसके कारण अगर आप अधिक में जानना चाहेंगे तो 1991 के बाद जिस तरह का आर्थिक उदारीकरण की दिशा में हम चल रहे हैं, हम ज्यादातर चीजों का निजीकरण करते जा रहे हैं,
निजी क्षेत्र में सौंपते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संकट है। और निजी अस्पताल सरकार से सस्ती कीमत में जमीन लेते हैं, तमाम तरह की सुविधाएं लेते हैं, लेकिन गरीबों के प्रति जो उनकी वचनबद्धता है उसको पूरा नहीं करते। तो ये सरकार को जरूर सुनिश्चित करना होगा जो उसने फैसले लिए हैं, जो घोषणाएं की हैं, वो जमीन पर उतरे। और निजी अस्पतालों को शामिल करना अच्छी बात है, लेकिन ये सुनिश्चित करना होगा कि निजी अस्पतालों में गरीबों को वक्त के साथ जरूरत के समय सही इलाज मिल पाए, मुफ्त दवाएं मिल पाए, और साथ ही साथ सरकारी चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार भी करना होगा। अन्यथा ये घोषणाएं पूरी तरह अमल में नहीं आ पाएंगी। और हम ऐसा आंकड़े का चर्चा करेंगे कि इतना हमारा टारगेट था, इतना हमने अचीव किया, उसका गैप कभी खत्म नहीं। बिल्कुल डीपी कौशिक जी, राजकुमार जी को आपने सुना, हालांकि मैंने भी शुरुआत में कहा कि कम से कम पहल तो अच्छी है, हम इसकी तारीफ करते हैं, और इनका भी कहना है कि शुरुआत अच्छी है, इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए, इस बात को सुनिश्चित किया जाए। लेकिन कांग्रेस और इनेलो के प्रवक्ता ये कहते हैं कि घोषणाएं भले ही कम कर लें, योजनाएं भले ही कम लेकर आए, लेकिन कम से कम जो ऐलान किया जाए, जो कहा जाए, उसे तो लागू किया जाए। देखिए ज्योति जी, मैंने दोनों प्रवक्ताओं को सुना। रेड्डू जी तो सीनियर आदमी, उनको तो शायद ये बात नहीं कहनी चाहिए कि इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, योजनाएं इम्प्लीमेंट हो रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं खुद 5 हॉस्पिटल चला रहा हूं, और ये योजनाएं खाली सरकारी हॉस्पिटलों में नहीं है। वो कह रहे थे ना कि उस हॉस्पिटल में MRI नहीं है, सरकारी में ये नहीं है, सिटी नहीं है। मेरे ख्याल से आज हरियाणा के ऑलमोस्ट सभी हॉस्पिटल जो हमने कवर कर लिए, जिनमें MRI और जिसमें स्वास्थ्य के लिए अच्छे प्रबंध किए गए हैं, सारी मशीनें अवेलेबल करवा दी गई माननीय हमारे हेल्थ मिनिस्टर द्वारा, सरकार द्वारा। नहीं, सारे उसके बाद सारे हॉस्पिटल तो, सरकारी सारे अस्पताल आपके नहीं पास, प्राइवेट हॉस्पिटल हर शहर के, सारे हॉस्पिटल्स में नहीं हुआ है अभी। ऑलमोस्ट मैं कह रहा हूँ, ऑलमोस्ट मैंने खुद कहा ना, पूरे नहीं बोले, मैं ऑलमोस्ट मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने सारे नहीं कहा। तो उसके बावजूद प्राइवेट हॉस्पिटल मुझे लगता है आजकल हर शहर के अंदर है, और कोई भी हॉस्पिटल ऐसा डिनाई नहीं कर सकता किसी भी पेशेंट का। आप आगे जब प्राइवेट हॉस्पिटल का डाटा उठा के देख लीजिए, इतनी सख्त है सरकार, अगर किसी ने भी मना किया तो उसी पर तुरंत कार्रवाई हो जाती है, और वो हॉस्पिटल मना करने के लायक है ही नहीं, मना ही नहीं कर सकता किसी भी इलाज के लिए। दूसरी बात कह रहे थे योजनाएं, वहां तक 9 लाख से 15 लाख आदमियों तक नहीं पहुंची। मैं जरूरी नहीं कि सारे आदमी बीमार हो, ये लोग क्या बीमारी देना चाहते हैं क्या, चोटला पार्टी वाले या दूसरे विपक्ष वाले, क्या पता आपको सारे लोग जरूरी तो है नहीं ना। जिस भी जो आदमी ने सुविधा लेनी चाहिए सबको सुविधा मिली है, और मैं हर आंकड़ा अगर कहो तो हर जिले का आंकड़ा दे सकता हूं कि आयुष्मान से कितने लोगों को बेनिफिट हुआ है। पहले बहुत सारी बीमारियां कवर नहीं थी, अब वो सारी बीमारियां, उसके बावजूद इम्प्लीमेंट की गुंजाइश रहती है, बहुत सारी बीमारियां कवर कर दी गई उसके अंदर भी। आज हर इंसान, हर मतलब जिसको जरूरत है इस सुविधा की है, वो खुश है। 5 लाख का आंकड़ा कम नहीं होता, छोटा सा। आज की डेट में अगर देखा जाए तो सरकार कितना वजन उठा रही है इसके ऊपर, कितना हमारा एक्सपेंसिव सरकार के ऊपर पड़ रहा है। उनको तारीफ की बजाय अगर ये कहना चाहे कि इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो मुझे शायद थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। सरकार की योजनाएं हैं, हम उनको इम्प्लीमेंट नहीं, धरातल पर लेकर आए, और इसका फायदा हर इंसान को है जिसको उसकी जरूरत है। और ये नहीं BPL का आंकड़ा है, मैं तो कहता हूँ 1,80,000 रुपए की इनकम हर उससे, इसमें इकोनॉमिक फैमिली भी आती है, दूसरी फैमिली भी आती है जिनको जरूरत है, और आने वाले टाइम में ये सभी तक की सुविधा पहुंचने का सरकार का पहुंचाने का प्रयास है। इससे ये नहीं कहिए कि उस हॉस्पिटल में सुविधा नहीं है, आप किसी भी हॉस्पिटल में स्वैच्छिक हॉस्पिटल के अंदर जाइए, कौन आपको मना करता है। हर आदमी तक सुविधा पहुंचाने का हम लोग वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए शाबाशी देने की बजाय ये तो ना कहिए ना कि सरकार इम्प्लीमेंट नहीं कर रही, हमारा पूरा प्रयास। आप एक भी इस व्यक्ति से बात करा दीजिए जिसने सुविधा का बेनिफिट किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में मना किया हो या नहीं उठा पाया हो, मुझे कहता हूं मैं एक बार डाटा अगर सरकार के सामने लाकर पेश कर दे, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं मैं, कोई पक्षी मेरे मित्र दोनों बैठे हैं, अगर एक भी आंकड़ा लाके देखे थे किसी इंसान से, एक वादे उस हॉस्पिटल ने मेरे को मना किया या वहां से मुझे इस सुविधा का बेनिफिट नहीं मिला हो जाते हैं कई बार, बहुत बार ही हो जाते हैं, हालांकि विभाग संज्ञान लेता है वो अलग बात है। जोगेंद्र मोर जी, देखिए सीएम का एक सिद्धांत है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का विकास ही ना हो बल्कि विकास की शुरुआत भी अंतिम व्यक्ति से हो, और जो ये दायरा बनाया गया कि 1,80,000 सालाना आय वाला, ये ठीक है, इन लोगों को फायदा तो मिल ही रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि चुनाव में बीजेपी को बड़ा फायदा इससे मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी योजनाएं और बहुत सारी ऐसी सुविधाएं थी जो सरकार इस वर्ग तक पहुंचा रही थी। अब ये तो बात करें ज्योति जी कि 2000 मतलब 4 साल पहले आयुष्मान भारत आया था, आज दायरा बढ़ाया जा रहा है। जब हरियाणा की स्थिति ये मानते थे तो जब दायरा बढ़ाया जा सकता था, एक बात। और जो मतलब कौशिक साहब कह रहे थे
कि मतलब क्या सभी बीमार होंगे, बात कार्ड बनने की है, पास कार्ड के डाटा की है। क्या 15 लाख लोगों का कार्ड बना दिया था क्या? जो 15 लाख दायरे में आते हैं, कार्ड ही 9 लाख लोगों के बने हैं। बीमार होना ना होना तो अलग विषय है, ठीक है। और ये सब कार्ड हर हॉस्पिटल में बनते हैं, हर स्थान पर कार्ड बनता है, जहाँ पे उसको बनाना चाहिए। सरकार ने गांव गांव तक हमारे स्थान खोले हुए। तो आपने, मैं जो आपने बात कही, बस उस बात आप जाइए, कार्ड बनवाइए। किस समय जिसकी लिस्ट में नाम था, मैं कहता हूँ जिसकी लिस्ट में नाम था वो आदमी कहीं पे भी जा कार्ड बनवा सकता है, इतनी बड़ी सुविधा सरकार ने। ऐसा नहीं हुआ है, लोगों को बड़ी दिक्कतें हुई है। आपने 5 लाख लोगों की पेंशन काटने का काम किया है, आपने जिंदा लोगों को मुर्दा दिखाने का काम किया है, आपने मतलब विकलांग लोगों की पेंशन काटने का काम किया है। ये सारे के सारे इस पे कई फैमिली आइडिया नहीं बन पा रही है, कई और चीजों से। तो ये जो सरकार का जो तंत्र है, सरकार का जो सिस्टम है जोड़ने का जो तरीका है, वो लाभार्थी तक पहुंच ही नहीं पा रही है। अब ये बात की हर आदमी मीडिया तक नहीं पहुंच पा रहा है, कितने लोगों को दिखते कोरोना के समय से सरकार की कॉल सुन दी। और जो ये सरकारी अस्पतालों की बात कर रहे हैं, इनके खुद हेल्थ मिनिस्टर थे, रोहतक पंडित भगवतयाल में एडमिट हुए थे, लेकिन अगर यहाँ पे इतनी चिकित्सा सुविधाएं इतनी अच्छी होती तो उन्हें मेदांता ना जाना पड़ता, वो मेदांता नहीं जाते। आपको ध्यान होगा कि अनिल विज जी रोहतक में एडमिट हुए, लेकिन ठीक मेदांता नहीं जाके हुई। अगर इनको इतना ही तंत्र में भरोसा है, इतना ही हुआ है, तो यहाँ ये तो रोहतक जो है आयुर्वेद स्थान है, विश्वविद्यालय है, पीजीआई जिसको कहते हैं रोहतक, इससे बड़ा तो हरियाणा में कोई है ही नहीं था, ठीक है। उसकी हालत ये थी, आज डॉक्टर हड़ताल पे बैठे हैं इन लोगों ने, और प्रदेश को सिवाय प्रदेश पे कर्ज डालने का, ये हम बार बार एक कह रहे हैं, सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। जब कांग्रेस से इन्होंने सत्ता प्राप्त की तो उस वक्त इस प्रदेश के 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, इन्होंने 3,10,000 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ाने का काम किया है। वो 3,10,000 करोड़ का जो कर्ज चढ़ाने का काम किया है, ये कर्ज इस प्रदेश पे इन्होंने किन योजनाओं पे चढ़ाया है, किन कामों पे चढ़ाया है, ये क्या सरकार को जिम्मेदारी नहीं बनती है? सरकार उस चीज को बताए। और योजनाएं जो है, ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये घोषणाओं की सरकार है, घोषणाएं करते हैं। इन्होंने तो पेंशन की भी घोषणा की थी, इन सरकार के एजेंडे में थी, जेजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, इन्होंने 5,100 रुपए की कही थी, 5,000 रुपए बंद हो गए क्या पेंशन, बल्कि पेंशन काटने का काम किया है। तो इनकी सारी की सारी योजनाओं में यही है, और ये निजीकरण को की तरफ बढ़ावा प्रदेश को ले जाने के लिए वो करते हैं। सरकारी तंत्र का जो है, शिक्षा का और स्वास्थ्य का, इस सरकार ने बैठा बैठाने का काम किया। विभाजी, जो सवाल मैंने मोर साहब से पूछा, जोगिंद्र मोदी से, ज्योति जी, ज्योति जी एक सेकंड जवाब, दूंगा। बोले रेडियो साहब, जिस हिसाब से बात कर रहे हैं आप, देखिए माननीय हेल्थ मिनिस्टर साहब ने कितनी, इतना सीरियस होने के बावजूद भी वो पीजीआई में आए, इनके आंखा तो एक छींक आती है, तो मैदानता देखते हैं, इन्हें कोई प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटल में ज्यादा देखा है क्या? उनकी हिम्मत तो देखिए, वो जब ज्यादा सीरियस हो, जब ज्यादा तकलीफ हुई तो आदमी वहां पे जाने की, वो प्रोटोकॉल होता है सर। आप तो आप सरकार में रहे, आपको पता है प्रोटोकॉल नाम की भी कोई चीज होती है, उस पर कौन रिस्क लेगा बताइए मुझे। नहीं, आप तो बता रहा हूँ, आपके आंखों में छींक भी आती तो वही मैदानता देखते हैं। हमारा हेल्थ मिनिस्टर तो हर बार पीछे ही जाता है, जब भी बीमार है वो आदमी थोड़ा दिन पहले पीछे ही था। अब ये कहना तो ठीक नहीं होगा ना कि उन्होंने मैदानता सारे देखा। थोड़ा बहुत तो रिगार्ड कीजिए ना इतने बड़े आदमी का। आप ये कह रहे हैं कि वो उनको विश्वास नहीं था, पैसे उसको मार दिया, ऐसा नहीं होता ना। क्यों गए मैदानता अगर यही इतनी अच्छी सेवाएं थी तो? अरे सर, अपने अकाउंट से मैं कह रहा हूँ, पूछिए ना अपने अकाउंट से पूछ के देखिए। आज सरकारी हॉस्पिटल में जाके आज भरे रहे जैसे जो कह रही थी, अरे हर सरकारी हॉस्पिटल जाके देखिए कितने लोग वहाँ पे इलाज करवा रहे हैं। आपका राज भी हमने देखा था, आपका राज भी देखा हमने, पिछली सरकारों का राज भी हमने देखा है। आज वो सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, 5 स्टार हॉस्पिटल में बने हुए। आप जाने देखिए, ऐसा नहीं होता ना। हर चीज को ये बोलेंगे कि एज मिनिस्ट्री पर पीजीआई में चले गए, वो तो बेचारे हमेशा ही पीजीआई में इलाज करवाते हैं। चले चर्चा करवाया, अगर इलाज करवाते तो मैदानता क्यों जाते? ठीक है, अभी जोगिंदर जी आगे बढ़ेंगे चर्चा में। विभाजी, आपसे मेरा सवाल था अंत्योदय की, जब बात होती है तो चूंकि सीएम ये नारा देते हैं, सीएम का सिद्धांत है और योजना, हालांकि आप लोग भी सरकार में हैं, आप लोग भी साझेदार हैं, लेकिन जब भी इसका क्रेडिट जाने की बात होगी, चूंकि 28 लाख से अधिक परिवार, बहुत ज्यादा बड़ा ही आंकड़ा हो जाता है, तो क्रेडिट कहीं ना कहीं बीजेपी या सीएम को ही जाएगा। इसमें पिक्चर में जेजेपी कहीं नजर नहीं आते। ये गठबंधन की सरकार है, दोनों सरकारों का इसके अंदर
एक तरफ योगदान है, तो अगर आप मीडिया वाले ही अगर करते हैं कि बीजेपी की सरकार ने ये किया, आप कभी गठबंधन सरकार नहीं बोलेंगे, तो फिर तो आप ही क्रेडिट डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। और अब मैं आपको कुछ बिंदु मुझे बोलने हैं। सीएम की जो भी आप स्पीच सुनेंगे सीएम को, अगर सीएम किसी रैली में 1 घंटे से 1.5 घंटे बोलते हैं, तो सीएम अंत्योदय की बात जरूर करते हैं कि हम अंतिम व्यक्ति का विकास ही नहीं करते बल्कि शुरुआत ही वहीं से करते हैं। और ये परिवार अंत्योदय जो परिवार के जो फॉर्मूला के, ये कहीं ना कहीं सीएम के प्राथमिकताओं में से एक है, प्राथमिकताओं में से एक है। तो जाहिर है जब जब इस बात का जिक्र होगा तो क्रेडिट तो जाएगा। ठीक है, तो क्रेडिट तो दोनों को जाएगा ना, ये नहीं कि खाली एक इंसान को जाएगा। गठबंधन सरकार है, सब इकट्ठे मिलके काम कर रहे हैं, दोनों ही जो भी अलायंस में दोनों ही पार्टीज हैं उनका एक इकट्ठा योगदान है। ये बार बार जैसे हमारे मोर जी बोल रहे हैं, अब मैं, मेरे पास कुछ बिंदु, मैं तब से डिबेट से लिख रही थी तो मुझे कृपया वो बोलने दीजिए। तो जैसे मोर जी हैं, ये बार बार कहते हैं पेंशन जेजेपी ने कहा था। मुझे धन्यवाद मोर जी, आप ये बार बार ये बात उठाते हैं, हर डिबेट में उठाते हैं, तो आप ये जान लीजिए कि आने वाले 2 सालों में जो आप 5100 का बोल रहे हैं वो आंकड़ा भी बिल्कुल बिल्कुल पूरा हो जाएगा। ये आप लिख के ले लीजिए और ये जनता को पूरा पता है। जब आप गठबंधन सरकार में होते हैं तो उसके अपने ही कुछ कायदे कानून होते हैं, सबको उसका पालन करना चाहिए। तो आप कृपया इंतजार करिए, 2 साल में ये पूरा हो जाएगा। और ये जो बार बार बोल रहे हैं कि हमारे मिनिस्टर्स मेदांता चले जाते हैं, इनके अपने सारे पार्टी के जितने लीडरशिप है वो तो US चली जाती है, हम तो सिर्फ मेदांता की बात कर रहे हैं। आगे मैं बताती हूँ, इन्होंने एक और पॉइंट बोला कि इतना सारा, आधे से ज्यादा हरियाणा इस उस योजना में आ गया, तो उन्हें बता दूं कि दिव्यांग को भी इसमें समाहित कर दिया गया है। तो वो आप मिस कर रहे हैं, खाली है, आर्थिक बेसिस पर नहीं हुआ है। इसके अलावा ये जो बार बार बात उठ रही है कि 15-15.5 लाख की वजह से सिर्फ 9 लाख लोगों को मिला, तो ये भी जानिए कि तब जब अगर डेटा वेरिफिकेशन नहीं हो पा रही है उसके लिए हमारी आशा वर्कर्स जाती हैं और वो डेटा वेरिफिकेशन के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स लेती हैं। ये हमारे बाकी साथी प्रवक्ता भूल जाते हैं कि कोरोना काल में पूरा देश, पूरी दुनिया पीड़ित थी, उसके अंदर कैसे हो सकता है, कोई भी योजना आप जब लाते हैं तो उसमें कुछ चैलेंजेस होते हैं, उसको इस्टैब्लिश करने में, उसका डेटा कलेक्ट करने में, उसे जन जन तक पहुंचाने में। जब ये योजना आई उसके कुछ 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर आपका कोरोना आ गया। आप ये बताइए, 2 साल तक तो बिल्कुल सारा सब ठप था, अब जब दोबारा से वापस चीजें आई हैं, और ये जो बार बार पेंशन की बात कर रहे हैं, हाँ 2 साल में इस गठबंधन सरकार ने जिस तेजी से काम करना था उस तेजी से नहीं कर पाई, क्योंकि उसके अपने चैलेंजेस थे। ये कोरोना को आप उसके लिए आग बंद नहीं कर सकते। अब आज की डेट में आशा वर्कर्स जाएंगे, घर घर जाएंगे और इस योजना को 31 दिसंबर से पहले पहले सबको, जितने भी 28 लाख हैं उनको उनके गोल्डन कार्ड्स मिल जाएंगे। आप थोड़ा टाइम दीजिए और जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हम कर रहे हैं कि आंकड़े अपने आप आएंगे, कल को कोई भी पहचान पत्र बनवाएगा अगर वो इस कैटेगरी में आएगा उसे अपने आप गोल्डन कार्ड मिलेगा, उसको अपने आप हर चीज मिलेगी, उसके लिए फिर उसे दौड़ना नहीं पड़ेगा। तो आप इस चीज को भी मद्देनजर रखें कि जो हम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कर रहे हैं अपनी चीजों में, योजनाएं उसके बेसिस पर बना रहे हैं, तो ये जो ग्राउंड वर्क है वो काफी क्लियर हो जाएगा। आने वाले दिनों में ये चैलेंजेस बहुत ही कम या बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। जी विजेंद्र रेणु जी, देखिए एक बात तो ये क्लियर है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा ये है रेणु साहब, और ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि तो सरकार की हो जाती है, और हरियाणा सरकार अगर उसे अगले स्टेज पर लेकर जाती है, दायरा बड़ा करती है, तो ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं पहल तो अच्छी है, शुरुआत अच्छी है। हालांकि इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, कैसे लोगों तक पहुंचा जाए, ये कोई चुनौती जरूर हो सकती है। हाँ ज्योति जी, इसकी पहल जो है 23 सितंबर 2018 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दी थी। उस टाइम भी यही था कि पहल अच्छी है, और पहल अच्छी थी, लेकिन 4 साल में जब आज तक उसको 50% को ये लागू नहीं कर पाए, हमारा क्वेश्चन तो इस बात पर है। और अभी जैसे राजकुमार जी भी आज कुछ ना कुछ थोड़े झुके हुए लग रहे हैं मुझे सरकार की तरफ है, इन्होंने कहा कि डाटा वेरिफिकेशन में नहीं हो पाया तो विपक्ष को भी सहयोग करना चाहिए। अरे भाई, गवर्नमेंट के पास इतना लंबा चौड़ा तंत्र है और वो लोगों के डाटा वेरीफाई नहीं कर पाए, उसके लिए आप विपक्ष की मदद मांग रहे हैं, तो मदद मांग लेते, विपक्ष अवश्य मदद करता इस सामाजिक कार्य के लिए, लेकिन मदद मांगे तो सही।
इसलिए मैं कहता हूं कि सरकार इसमें लागू करने में लापरवाह रही है। दूसरी बात, अभी हमारे मोर साहब ने एक बात और कही कि हमने सभी हॉस्पिटल्स में सभी मशीनरीज को कंप्लीट कर दिया है। ये बात मैंने 22 मार्च 2022 लास्ट डे ऑफ बजट सेशन, उस हाको सिंह जी ने जो बजट सेशन का लास्ट डे था 22 मार्च, सरकार के द्वारा बताए गए आंकड़े मैं बता रहा हूं। मैं तो इसमें और भी जोड़ करके बताने वाला था, लेकिन मैंने तो एक्यूरेट आंकड़े आपको दिए हैं कि 24 में से 19 हॉस्पिटलों में सुविधा नाम की कोई चीज नहीं है, उसका चार्ट आप देख सकते हैं। एक और बात कही कि ग्लास को आधा भरा देखिए, आधा खाली मत देखिए। ज्योति जी, आई अंडरस्टैंड इट वेल, राजकुमार जी क्या क्या हमें समझाना चाहते हैं मैं समझ गया हूं, लेकिन उस आधे भरे ग्लास को कब तक हम आधा भरा देखते रहें? चलो एक साल देख लिया, दो साल देख लिया, 8-8 साल तक आधे भरे को भरा कैसे बोलेगा? अगर हम उसको भरा बोलेंगे तो जनता तो तरस जाएगी, जनता की तो सुनवाई ही नहीं होगी, कब तक हम उसको देखते रहेंगे? एक और बात यहां पर उठी कि घोषणा तो सरकार करती है, क्यों करती है? जब वो पूरी ही नहीं कर पाती तो आखिर वो घोषणा क्यों की जाती है? जो पहले से घोषणा की गई है उनको पूरा किया जाए, उसके बाद आप घोषणा कर दीजिए, आपका स्वागत होगा। अभी विभाग जी ने कहा है कि 31 दिसंबर हम 28 लाख परिवारों के गोल्डन कार्ड बनवा देंगे। आप 31 तारीख को क्लीन चिट दीजिए कि कोई बचा हो तो उसको लेकर के आइए। हम शाबाशी करेंगे टीवी पर बैठ करके कि सरकार ने एक्शन लिया है, काम किया। 31 दिसंबर तक आप 28 लाख परिवारों के गोल्डन कार्ड यदि बनवा करके दे देते हो, सभी के घर में पहुंचा देते हो, तो हम आपकी बढ़ाई करेंगे, मैं बढ़ाई करूंगा। आज मैं आपके टीवी के चैनल पर बोल रहा हूं, ज्योति जी आप करवाइए, और फिर पूछूंगा मैं आपको 31 दिसंबर को कितने बने हैं। और ये फिर कहेंगे कि प्रॉब्लम आ गई, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, फिजिकली प्रॉब्लम आ गई, तो बहुत सारे बहाने बाद सरकार है, केवल घोषणाएं करते हैं। स्वास्थ्य जैसा संवेदनशील मुद्दा, स्वास्थ्य और शिक्षा का आज जो ना स्वास्थ्य पर डिबेट चल रही है, मैं स्वास्थ्य की ही बात कर रहा हूं, इतने संवेदनशील मुद्दे के ऊपर भी इतनी झूठी बातें आज टीवी चैनल के ऊपर रखी जा रही हैं, तो बहुत गलत बात है, बहुत निंदनीय है। हमारे हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है। ज्योति जी देखिए, मैं आपका WHO का रिकॉर्ड बताता हूं, वो कहता कि 1000 पर एक डॉक्टर होना चाहिए, हमारे हरियाणा प्रदेश में 1900 पर एक डॉक्टर है। और हेल्थ वर्कर तो जो है 1 लाख के ऊपर 6 हेल्थ वर्कर, इट इज गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने रिकॉर्ड दिया है, ये हम नहीं बना रहे अपनी तरफ से, रिकॉर्ड की बातें हैं। अरे 1 लाख पर 6 वर्कर कैसे काम चलेगा, कैसे आप स्वास्थ्य देंगे? आप डॉक्टरों की जो कमी है उसी को पूरा कर दो, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी दायरे में लेने की। अगर सभी हॉस्पिटलों में सभी डॉक्टर हो, सभी टेस्टिंग मशीन हो, सभी लैब हो, अपने विस्तार से ऑटोमेटिकली स्वास्थ्य सुधर जाएगा, इसको गंभीरता से ले और उसको पूरा करें। राजकुमार जी, कोरोना काल में तो हालांकि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बहुत सवाल उठे, लेकिन सरकार के 8 साल के कामकाज को आप कैसे देखते हैं स्वास्थ्य के लिहाज से, जिसमें सभी 22 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की भी बात थी, नए डॉक्टर्स की भर्तियों की बात थी, नए उपकरणों और मशीनों की बात थी? देखिये, जो दो चीजें, तो कोरोना काल की जब आप बात करते हैं तो उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। 2 साल का, सवा 2 साल का पीरियड था, और उस कोरोना काल में जो मुझे लगता है सभी सरकारों की, देश की नहीं दुनिया भर की, सबसे कड़ी परीक्षा थी, और उसमें ज्यादातर सरकारें जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरी। ये स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनपेक्षित घटना थी, किसी को आकलन नहीं था, किसी को अंदाजा नहीं था कितनी भयावह घटना होगी, कितनी जरूरतें होंगी, तो उसमें सारी सरकारें कसौटी पर नहीं खरा होती, सच्चाई है। लेकिन उस 2-2.5 साल में पूरा सरकारी तंत्र, चाहे हम शिक्षा की बात कर लें, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की बात कर लें, या अन्य सरकारों सरकारी योजनाओं की बात कर लें, वो कहीं ना कहीं ठप होके रह गई। सरकारों की अर्थव्यवस्था ठप होके रह गई, राजस्व की वसूली ठप होके रह गई, उन सारी चीजों का असर हम आज तक देख रहे हैं। रेणु जी ने सही कहा कि काम सरकार का है अपनी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करे, डाटा वेरिफिकेशन करे, बिल्कुल है। लेकिन रेणु जी, आप बहुत पुराने राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, राजनीति सिर्फ चुनाव लड़ना या दलगत राजनीति करने तक नहीं होती है। राजनीति का एक बड़ा काम समाज सेवा भी है, समाज में जरूरतमंदों को मदद करना भी। जरूरतमंद खाली मदद आर्थिक नहीं होती है, जो लोग अशिक्षित हैं, जिनके पास साधन नहीं है, जिनको समझ नहीं है, जिनकी पहुंच नहीं है, उनका साधन बनके, उनकी मददगार बनके, उनको सरकारी योजनाओं तक पहुंचाएं, सरकारी योजनाओं को उन तक पहुंचाएं। ये सारी मुझे लगता है लोकदल तो ये काम बहुत पहले से करता रहा है। इनेलो जिसका अंग है, नाम बदलते रहे हों,
और लोकदल की जो राजनीतिक संस्कृति रही है वो तो वही रही है। सरकार कोई भी हो, सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचे जिम्मेदारी तो सबकी है, सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी है। तीसरी बात जो आपने कहा कि 8 साल का कार्यकाल, मैंने जैसे पहले कहा देश बहुत बड़ा है और हरियाणा उसी देश का हिस्सा है, इसलिए मैं पहला आकलन जो करता हूँ, बाकी लोग असहमत हो सकते हैं मेरी बात से, मैं आकलन इस बात से करता हूँ कि सरकार की मंशा कैसी है, जो घोषणाएं हैं योजनाएं उनकी दिशा कैसी है। अगर मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना की बात करते हैं और ये करते हैं कि जो समाज में अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति है, मेरा मानना है कि जो अंतिम छोर पर खड़ा है उसकी जरूरतें ज्यादा हैं, बिल्कुल उसको सबसे पहले सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो मूलभूत सुविधाएं। तो अगर आपकी मंशा सही है, मंशा सही बिल्कुल, आपकी योजनाएं अंतिम व्यक्ति को लक्षित करके हैं, तो उनके इम्प्लीमेंटेशन में आने वाली प्रॉब्लम्स को दूर करने की जिम्मेदारी सरकार की तो है ही है। बिल्कुल, हम सब लोग जो ये चाहते हैं कि समाज विकसित हो, देश विकसित हो, हम सबकी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया सभी मेहमानों का हरियाणा न्यूज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अंत्योदय को लेकर हम बात कर रहे थे, आयुष्मान भारत योजना को लेकर हमने बात की, क्या उपचार की टेंशन अब खत्म हो जाएगी क्योंकि दायरा बहुत बड़ा कर दिया गया है, कब तक और कैसे योजना को इम्प्लीमेंट किया जाता है और कैसे लोगों तक फायदा पहुंचाया जाता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।